अभी हम आ गया है एक रेलवे क्रॉसिंग के पास, रेलवे क्रॉसिंग सामने आएगा। किस्मत अच्छा तो खुला मिलेगा, नहीं तो बंद मिलेगा। यहाँ तक खुला है, खुला है रेलवे क्रॉसिंग, क्योंकि 25,000 वोल्ट का ओवरहेड लाइन जा रहा है। तो ये भी आप जानिए कि रेलवे ओवरहेड लाइन कितना हो जाता है, 25,000 वोल्ट का है। यहाँ पर ये सिंगल लाइन है, जैसे ट्रेन जाते हैं, लेकिन ट्रेन गैंगमैन का रूम वगैरह है। ये रेलवे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग तो खुला मिला था। और ये देखिए कलवट है, आगे जा रहा है। अरे हम जो चीज़ बताए थे आपको कि रोड क्यों ख़राब हो रहा है, उसका भी हम एक लाइव एग्जांपल है, हम दिखाएंगे आपको कि रोड क्यों ख़राब होता है। क्योंकि देखिए जो रोड होता है ये मेनली डिज़ाइन होता है एक लोड के ऊपर, ठीक है। तो ओवर लोड अगर बार बार जाएगा रोड के ऊपर से, तो रोड का ऊपरी हिस्सा ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रोड बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, और ऊपरी हिस्सा ख़राब होगा और ऊपर का लेयर निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम अभी आएंगे, ख़राब रोड अभी आएगा। ये रोड यहाँ पे ख़त्म होकर दूसरा एक रोड के साथ जोड़ रहा है। ये रोड जो है ये भी स्टेट हाईवे है। ये जो रोड है सीधा जा रहा है रामपुर हाट, मतलब वेस्ट बंगाल का सीमा निकल के रामपुर हाट जा रहा है। ये रोड सीधा जाएगा, अभी तो झारखंड में है से सीधा जाएगा। अभी इस रोड पर देखिए कि रोड धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। अभी तो अच्छा है, रोड धीरे धीरे ख़राब होता जाएगा। कारण क्या है कि अब ओवरलोड का गाड़ी चलता है। अगर हम उनको गाड़ी भी दिखाएंगे कि कैसे गाड़ी ओवरलोड लेके जाता है, और कैसे गाड़ी जो है अंडर लोड, मतलब नॉर्मल जो लोड गवर्नमेंट का परमिटेड लोड है वो लेके जाता है, ऐसा वाला गाड़ी भी दिखाएंगे। और दोनों का कारण क्या है वो भी हम बताएंगे कि क्यों लोग ओवरलोड लेके जाता है। देखिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, रूल को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग फॉलो करते हुए हैं, कुछ लोग चोरी छुपे अभी भी यही चीज़ कर रहा है, ठीक है। देखिए बगल में बड़े बड़े गाड़ी खड़ा है, ये सब पेट्रोल पम्प के बगल में। रात को जैसे इसका नो एंट्री ख़त्म होगा, उसके बाद लोग सब निकलेगा। दिन में नो एंट्री रहता है बड़े गाड़ी का। थोड़ी देर में हम दिखाएंगे आपको उस टाइप का सिचुएशन, जो रोड थोड़ा ज़्यादा और ख़राब होने वाला है, वहाँ पे इस टाइप का गाड़ी भी दिखेगा आपको जो ओवरलोड लेके जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया, कुछ ज़्यादातर गाड़ियाँ उसके पालन कर रहा है, उसके रोड कुछ हद तक सही है। पर कुछ गाड़ियाँ हैं ना जो लोग पालन नहीं कर रहा है, फिर उधर चोरी छुपे से लेके जा रहा है। गवर्नमेंट का और ज़्यादा सख्ती करना चाहिए, चेक पोस्ट वगैरह में लगाना चाहिए। पर पेट्रोल पंप में भी ये बोलना चाहिए कि ओवर लोडेड कोई गाड़ी को डीजल या दिया ना जाए, इसका भी रूल बनाना चाहिए। पर रूल बनने वाला नहीं है, गवर्नमेंट रूल बनाता है, पर उसका कुछ ना कुछ रूल को लेके लोग चलता है, चोरी छुपे चलता है। कुछ अधिकारी भी कभी कभी मिला होता है, उसका भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है गवर्नमेंट। ब्रिज है, उसके नीचे से एक नदी जा रही है, नदी का नाम मेरे को पता नहीं, बाद में पता चलेगा तो बताऊंगा आपको नदी का नाम क्या है। देखिए दोनों तरफ में ग्रीनरी है, और ये ट्रांसफार्मर भी है, घर भी है। ये देखिए यहाँ पे रोड और ख़राब हो जाएगा। देखिए यार रोड अब ख़राब हो चुके हैं, ख़राब रोड है क्योंकि क्रैशर वाला एरिया है। यहाँ पे क्या पत्थर का खदान है, ठीक है। तो पत्थर निकलता, पत्थर टुकड़ा होकर एक बोल्डर ब्रिगेड ये सब बनता है। यहाँ पर आसपास में ऐसा बहुत सारे हैं, उनको ब्रिगेड के असर भी दिखाएंगे। और अभी जिस हिस्से में बात करते हैं कि रोड जैसे ख़राब हो रहे, जैसे रोड ख़राब है, अब क्या ना आवाज़ नहीं है, जो उसका जो वीडियो उठाते समय जो साउंड था ना, उस साउंड को मैं हटा दिया। अभी मैंने अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो उसको जार्किंग वगैरह आपको दिखाई देता है। देखिए ये जार्किंग हो रहा है, रोड ऊपर से दिख रहा है, इधर वाला अच्छा रोड है, थोड़ी देर में और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कि रोड भी बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद ये रोड ख़राब हो गया, जबकि ओवरऑल रोड सब सही है। उधर में ओवरलोडिंग उतना जाता नहीं है, ये वाला मिली रास्ते में ओवरलोडिंग जाता है। तो आगे और एक पेट्रोल पंप आ रहा है, देखिए ये देखिए आप रोड कितना ख़राब है, देखिए पूरा गड्ढा हो चुका है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है रात के टाइम पर, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देते। चलो साइकिल बाइक में जाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किस्मत बेचारा लोगों का ख़राब भी हो सकता है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप आगे बढ़ते हैं। ये जो दिखाने वाले हैं हम वो दिख रहा है, ये देखिए सामने ट्रक जा रहा है और उसका ओवरलोडिंग देखिए, अभी गाड़ी आगे और जाएगा। ये देखिए रोड खराब, उसमें गाड़ी को धीमा करना पड़ रहा है। दाएं तरफ और एक पेट्रोल पंप है, देखिए सामने तरफ में और एक गाड़ी, जो गाड़ी जा रहा है उसको हम दिखाएंगे आपको कि कितना हद तक ओवरलोड लेके जा रहा है। अब ये जो नॉर्मल जो लोड होता है, जो गवर्नमेंट का अप्रूव है, वो भी हम दिखाएंगे अगला गाड़ी में। ये देखिए गाड़ी भी
खराब रोड के ऊपर जा रहे, देखिए कितना ओवरलोड है इसमें, देखिए सेफ्टी का भी कितना खतरा है, ये जो पत्थर है गिर सकता है, ठीक है, देखिए ओवरलोड जा रहा है ये, ठीक है। और ये सामने गाड़ी जा रहा है, देखिए दूर से दिख रहा है, उस गाड़ी में भी गिट्टी एग्रीगेट जा रहा है शायद, सामने चल के हम आपको दिखाएंगे, इसमें भी एग्रीगेट जा रहा है, पर वो एज पर स्टैंडर्ड जा रहा है, वो गवर्नमेंट का रूल है, उसको हम दिखाएंगे। देखिए बगल में ऑटो वगैरह खड़ा होकर पैसेंजर उतर रहा है, उठ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर गाड़ी अगर आएगा ना कितना सेफ्टी का इशू है, देखो ऊपर से पत्थर बोल्डर गिर सकता है, आदमी के ऊपर भी गिर सकता है, रास्ते में गिर गिरा सकते हैं, यहाँ पे बकरा वगैरह सब रोड पे रहता है, बकरे लोगों को बताया कि रोड पर हर दिन गाड़ी आता जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ऐसा नॉर्मली गाँव का बकरा उठ भाग जाता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। चलिए इस गाड़ी का भी पीछे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, अगर चला जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से अगर लोड ऐसा जाएगा तो रास्ता कभी ख़राब नहीं होगा, तो रास्ते पे आप और हमारा जाने से ख़राब नहीं होता, ख़राब होता है ओवरलोडिंग जाना चाहिए। देखिए इसका लेवल देखिए, ये अगर ओवरलोड लेना चाहेगा ना तो जो खाली हिस्सा है ना इसमें स्टॉपर लगाएगा बैटन का या लकड़ी का पट्टा लगाएगा, उसके बाद उस ऊपर को पूरा भर देगा, पहले ऐसे ही करता था, पर अभी गवर्नमेंट ने बड़ा सख्ती किया है, फ़ाइन किया है, तुरंत इसको स्पॉट फाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा फाइन कर रहा है, इसलिए लोग देखिए कैसा नॉर्मल लोड लेके जा रहा है। तो और वो जो है पीछे वाला गाड़ी देखा कितना बोल्डर ऊपर तक लेके गया, ये देखिए नॉर्मल लोड है, ये अप्रूव लोड है, यहाँ तक लेके जा सके, कोई ख़तरा भी नहीं। देखिए बस का एरिया जितना ऊंचा है ना, पीछे में जगह जो खाली है इसमें अगर पट्टा लगा देगा ना ऊपर तक, तो ऊपर तक भर सकता है, उससे क्या होता है लोग का जो है जो गाड़ी अब देखिए आपको अंदाजा लगेगा कि डबल हाइट लेके जा सकता है, तो दो बार लेके जाना, एक ही बार ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगा तो उस पर उसको पैसा का बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, धांधलीबाजी करता है लोग, तो इसका होता है, उसके लिए क्या होता है कि मटेरियल का कीमत थोड़ा सा बढ़ जाता है कंस्ट्रक्शन में, अगर ये अंडर लोड लेके आएगा, पर क्या है इससे इन्वायरमेंट से लेके आपका जो है रोड वगैरह सब कुछ सही रहेगा। आगे हम दिखाएंगे और गाड़ियाँ दिखाएंगे, ये देखिए सामने एक गाड़ी जा रही है, इसमें भी ऊपर तक भरा हुआ है, हाईवा बोलते हैं इसको, ऊपर तक भरा, इतना लोड इसमें अलाउ नहीं है, फिर भी लोग लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग रोक नहीं सकता, हम तो आम आदमी हैं, और क्या ना गवर्नमेंट ने सख्ती का रूल बनाया, उसके लिए कुछ रोड अभी अच्छा बचा हुआ, पर फिर भी बीच बीच में कुछ लोग ऐसे चोरी छुपी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए अपना अधिकारी लोगों को टाइट करना ताकि इस टाइप की हरकतें बिल्कुल ना हो, क्योंकि इससे क्या तो ओवरलोड से एक्सीडेंट भी होता है और लोगों को भी परेशानी होता है, रास्ता भी जल्दी टूटता है, तो गवर्नमेंट का ही पैसा जाता है रास्ता बनाने के लिए, गवर्नमेंट ही रास्ता बनाता है, तभी रास्ते उसी रास्ते में आप जा रहे हो, तो आप अपना नियम पालन कर, बेवकूफ़ बना के लोग जा रहा है, पुलिस से भी हाथ छोड़ के जा रहा है, थोड़ा हम लोगों के बाद सामने और एक देखिए, इसमें देखिए कितना खतरनाक है, देखिए सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर है ये क्या, हाँ ट्रैक्टर है, इसके ऊपर देखिए कितना खतरनाक तरीके से बड़े बड़े बोल्डर लेके जा रहा है, अगर रोड पर गिरेगा तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, तो इस टाइप से क्या रोड ख़राब होते जा रहा है, उसके निकल रहा है, पर आसपास के एरिया को अच्छा डेवलप नहीं करता है।